धीरे धीरे लगातार बढ़ती जाएगी, जो उम्मीद लोग कर रहे हैं। सर, हमने कहा कि दूसरे राउंड के बाद हमारे पक्ष में मिलने वाले वोटों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तीसरे राउंड से मार्जिन कम हुआ, चौथे राउंड में हम लोग 7.5 की लीड ले रहे हैं, आगे हैं। तो आगे इसी तरह से जब जो भी बूथ खुल रहे थे राउंड आएगा, सभी राउंड में ऐसे ही अब हम लोग की बढ़त ही होने वाली है। कहाँ गिनती एरिया वाइज करीब 60 बूथों की ख़त्म हो गई है। एरिया वाइज तो साक्षी है, बारादवारी है, आपका ये भुइयाडी है, बिरसा नगर तो बहुत आगे आएगा, अभी विद्यापति नगर का खुला हुआ है, तो इधर का हो गया है। अब आगे जो आएगा उसमें हम लोगों की बढ़त होगी, ये हमारे जो साथी सहयोगी हैं इनका अनुमान है। तो देखिए क्या कहेंगे सर, जनता का सपोर्ट तो आपको मिला, वो दिखा था। हाँ नहीं, समर्थन मिला है, ईवीएम में भी लोगों ने समर्थन दिया है। अब कितने का अंतर रहता है जीत का, यही देखना है। मुझे लगता है कि अब हम लोग पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले हैं। ये प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की सरकार में तो ये निश्चित हो गया कि सरकार बीजेपी की नहीं बनेगी। बीजेपी के आपका नैतिक समर्थन किधर फिर होगा आगे? नहीं, मैं तो गुण और दोष के आधार पर जो राजहित में होगा देशहित में होगा उसका मैं समर्थन करूंगा, जो राजहित में देशहित में नहीं होगा उसका मैं विरोध करूंगा। मैं बिल्कुल तटस्थ नहीं रहूंगा, क्योंकि जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध, दिनकर जी ने कहा हुआ है। तो तटस्थ की भूमिका में नहीं रहूंगा, गुण दोष के आधार पर राजहित और देश हित के पक्ष में जो होगा उसका समर्थन, जो नहीं होगा उसका विरोध। थैंक यू। नहीं संभावना है, मुझे लगता है कि गठबंधन का स्पष्ट बहुमत आ रहा है, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी तक के अनुमान के हिसाब से, और कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो अभी महागठबंधन के ही समर्थन में आने वाले जो लेफ्टिस्ट पार्टियां हैं उनके भी दो एक लोग हैं, तो इसलिए स्पष्ट बहुमत हो जाएगा उनको।